नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बलात्कार की शिकार हुई नाबालिग की दर्दनाक मौत, देखता रह गया ऐसा है अकेला पिता। प्रदेश में बेहद ही शर्मनाक बलात्कार की घटना के बाद बलात्कार से पीड़ित नाबालिग बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी की एक धर्मशाला में 5 दिन पहले जिस दिव्यांग नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार हुआ था, उसने गुरुवार रात को जयपुर के SMS अस्पताल में दम तोड़ दिया। SMS के चिकित्सकों ने दिव्यांग बालिका को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। जबकि आरोपी को 5 दिन बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने कई टीमों का गठन कर आरोपी को पकड़ने के लिए भेजा है। मानपुर पुलिस उपाधीक्षक सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि पीड़िता की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। अज्ञात व्यक्ति ने मदद कर झांसा दे उठाया मौके का फायदा। पुलिस ने बताया कि 24 जुलाई को दिव्यांग पीड़िता बिहार के गया से पिता के साथ मेहंदीपुर बालाजी स्थित धर्मशाला में आई थी। पिता की अज्ञात व्यक्ति से मुलाकात हुई और वह मदद करने लग गया। इसके बाद वह दिव्यांग नाबालिग को उठाने बिठाने में लाने ले जाने में मदद करने लग गया। 28 जुलाई की रात को उसने मौके का फायदा उठाकर बालिका के साथ बलात्कार कर डाला, जिसके बाद बालिका की तबीयत बिगड़ गई। उसे महुआ अस्पताल से उसे 200 व वहां से जयपुर के SMS के लिए रेफर कर दिया गया था। पुलिस नहीं ले सकी पीड़िता के बयान। पुलिस पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके बयान नहीं ले सकी। अब पुलिस के पास जांच के लिए मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा नाबालिग दिव्यांग के पिता, आरोपित युवक का चेहरा बचा है, जिसकी अभी पुख्ता तौर पर पहचान नहीं हो पाई है। इस मामले में दौसा पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के सामने आरोपित के ऊपर 5,000 रुपये का इनाम रखने की बात कही है।